सो आज एज यूजुअल ब्लैक कॉफी गिर गई। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस अभी तो विंटर के सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। सो मेरा प्लान है मॉर्निंग में वर्कआउट करने का, थोड़ा बहुत वर्कआउट करूँगा और फिर आफ्टरनून में भी जिम है मेरा। तो अभी मैं पहले शूज पहन लेता हूँ। सो आपका विंटर में क्या प्लान होता है मॉर्निंग में, कमेंट करके बताओ। आप विंटर में वर्कआउट करते हो या नहीं? यूजुअली मुझे तो विंटर की सीज़न में वर्कआउट करना अच्छा लगता है क्योंकि मॉर्निंग में विटामिन डी भी मिल जाता है और वर्कआउट भी हो जाता है। और हो सके उतना मैं ट्राई करूँगा पूरी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करने। थर्टी फाइव हो गए। सो मेरा टारगेट था 25-30 का। सो कल मेरे पुशअप 25 हुए थे, सो आज 35 हो गए। सो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ डे बाय डे मैं खुद को इम्प्रूव करने की। सो आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, आप अपने आप से कंपेयर कीजिए कि आपके कितने कल हुए थे आज हुए। आप अपने आप से कंपेयर कीजिए और डे बाय डे आपको खुद को इम्प्रूव करना है, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सो गाइस मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। सो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं वर्कआउट करना चाहता था वो भी हो पाया। सो यहाँ से सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। सो मॉर्निंग में मुझे तो यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि विटामिन डी भी मिल जाता है। सो आप में से काफ़ी लोग विंटर की सीज़न में बल्किंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो विंटर की सीज़न में करना बेस्ट होता है। सो गाइस मैं बात करके रेडी हो चुका हूँ। सो यूजुअली जब भी आप वर्कआउट करते हो तभी आपको वर्कआउट के बाद कोल्ड शावर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की रिकवरी जल्द से जल्द हो सके। सो यहाँ से सनलाइट का व्यू काफ़ी अच्छा रहे। आप कमेंट करके बताएं कि मुझे ये व्हाइट टी शर्ट मुझ पर कैसी लग रही है। सो मुझे यूजुअली ब्लैक टी शर्ट ही पहनना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ब्लैक टी शर्ट सूट करती है। सो अभी टाइम हो चुका है भगवान की पूजा करने का। सो पहले भगवान की पूजा करता हूँ फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। मैंने भगवान से प्रे कर दिया है मेरे और आप सबके लिए। सो अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं नीचे, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है। सो आज ब्रेकफास्ट में मैं करूंगा ओट्स। सो अभी चेक करते हैं कहाँ पे है। इसमें तो नहीं है, इतने सारे डब्बे हैं इसमें भी नहीं है। यस मिल गया। ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। सो यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स ही खाता हूँ, अदरवाइज इडली सांभर या डोसा खाता हूँ और हो सके उतने मैं डाइट पर फोकस करता हूँ ताकि मेरी बॉडी हेल्दी रह सके। सो अभी मैं ओट्स बनाता हूँ। सो आपको मैं दिखाता हूँ मैं ओट्स कैसे बनाता हूँ। 100 ग्राम ओट्स, ज़्यादा नहीं पड़ने चाहिए। फिर 1 बनाना, सम ड्राई फ्रूट्स फॉर हेल्दी फैट्स, 1 स्कूप पीनट बटर। हो सके उतनी मैं पीनट बटर की स्कूप कम ही यूज करता हूँ क्योंकि ज्यादा करूंगा तो वेट मेरा इंक्रीज हो सकता है क्योंकि मुझे अभी वेट कम करना है। सो अभी ये इसको मिक्सअप कर देंगे 10 मिनट के। सो ओट्स रेडी हो चुके हैं। सो अभी मैं किसी डिश में निकाल देता हूँ। तो देखते हैं मॉम ने आज लंच में क्या बनाया है। सो आज लग रहा है जीरा राइस बनेंगे। तो अब ब्रेकफास्ट तो आ चुका है मेरा और उसके साथ है ब्लैक कॉफ़ी। यूजल मैं दिन में 2-3 टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि मैं जब भी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ बॉडी फुल्ली एक्टिव हो जाती है और काम करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो आज तो 2-3 काम पेंडिंग पड़े हुए वो भी कम्प्लीट करने हैं। सो अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करता हूँ फिर देखता हूँ कौन सा काम पहले करना है। सो अभी तो मैं मेरे ब्लॉग के लिए लिस्ट सेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे मंथ में कितने ट्रैवल व्लॉग्स और कितने डेली व्लॉग्स अपलोड करने चाहिए। सो आप में ऐसे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले से लिस्ट क्यों बनाई। सो मैंने पहले से लिस्ट इसलिए बनाई क्योंकि मुझे प्लानिंग के साथ काम करने का मज़ा आता है। सो जब भी आपकी प्लानिंग होगी आपका काम ठीक से हो पाएगा, अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपका काम हो ही नहीं सकता। सो अभी मैं देखता हूँ मैंने कितने मंथ की लिस्ट कम्प्लीट की है। हो सके उतनी ज़्यादा करने की ट्राई करूँगा, 67। सो ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ की लिस्ट कंप्लीट कर दी है। सो अभी तो केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं हर एक सिटी में, आई होप कि लॉकडाउन ना हो। सो आप सबको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि मास्क पहने और दूरी बनाए रखें। सो ये लिस्ट मैंने मेरे हिसाब से बनाई है, अगर बाई चांस लॉकडाउन हो जाता है सो मुझे टोटली लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी, ये लिस्ट मेरी टोटली वेस्ट हो जाएगी। आई होप कि लॉकडाउन ना हो। सो अभी ये मेरा काम कंप्लीट करता हूँ फिर देखता हूँ दूसरा कौन सा काम करना है। सो मैंने 3 मंथ की लिस्ट कंप्लीट कर ली है। सो अभी 2 मंथ की लिस्ट मैं रात को कंप्लीट कर लूँगा। सो मेरा तो काफ़ी टाइम निकल गया लिस्ट कंप्लीट करने में क्योंकि सोच समझ के बनाना पड़ता है ब्लॉग के लिए कैप्शन और लिस्ट। सो अभी टाइम हो चुका है लंच का। सो आज तो लंच करना पॉसिबल नहीं है,
तो थोड़ा मैं जूस ही पी लूंगा। सो अभी नीचे चलता हूँ। सो जूस आ चुका है मेरा। सो आज मैं पी रहा हूँ ऑरेंज जूस। सो अभी जिम जाने में 1 घंटा बचा हुआ है। सो हो सके तो मैं एक बनाना खा लूँगा जिम जाने से पहले, और 10 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा। सो अभी मैं सोच रहा हूँ दूसरा कौन सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी तो। सो अभी तो मेरा जूस तो पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ। सो मैं जूस पी के ऊपर आ चुका हूँ। सो मेरा दूसरा काम ये था कि मुझे कार को वॉश में देने जाना था, बट वो मुझे याद ही नहीं आया। मैं व्लॉग में इतना इन्वॉल्व हो चुका था तो मैं काम भूल ही गया। सो अभी तो टाइम हो चुका है जिम जाने का। मैं जिम बैग रेडी करता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या क्या रखना है। सो पहले कैप, हैंड टॉवल, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टरनून में तो बहुत गर्मी लगती है। पावर बैंक, ये भी बहुत ज़रूरी है, और ट्राइपॉड और माइक। ओके, मेरा जिम बैग रेडी हो चुका है। सो अभी मैं रेडी होता हूँ। सो गाइस, मैं जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। सो आज एज यूजुअल ब्लैक कॉफ़ी गिर गई। सो अभी आप सबको मैं जिम में ही मिलता हूँ। सो मैं जिम में आ चुका हूँ। सो आज मैं ट्रेन करने की सोच रहा हूँ शोल्डर को। उसके पहले मैं वार्म अप करूँगा, फिर शोल्डर वर्कआउट, उसके बाद थोड़ा बहुत कार्डियो। सो पहले मैं ये सब चीज़ मेरी यहाँ से लेके ये सब चीज़ मेरी वहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट यहीं पे करता हूँ। आपको दिखाता हूँ, मैं इधर ही मैं वर्कआउट करता हूँ। सो इस सब चीज़ को मैं इधर रख देता हूँ। सो अभी वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। थर्टी फाइव हो गए। सो अभी शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। लास्ट सेट 15 kg, होपफुली 5-6 हो पाए। फाइव हो गए, अब कार्डियो। कार्डियो कंप्लीट हो चुका है और वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है। सो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं करना चाहता था वो भी हो गया। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, स्टेमिना डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। सो आप सबको मैं घर पे ही मिलता हूँ। सो अभी टाइम हो चुका है डिनर का। इधर 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 इधर। सो आज मैं डिनर में बना रहा हूँ वॉल वीट पास्ता एज यूजुअल। 10 मिनट लगेंगे बनने में। तो मेरा डिनर रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे रख देता हूँ। सो अभी मेरा डिनर तो आ चुका है। सो अभी बजे रात के 10। सो अभी 1 घंटा बचा है मुझे कल के व्लॉग की प्रिपरेशन करने के लिए, और मॉर्निंग में मुझे 4 बजे उठ के इस व्लॉग की भी एडिटिंग कंप्लीट करनी है। सो आज तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था, इवनिंग में मुझे बहुत सारे काम थे। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए होता सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।